और बेकार पड़ी है चीजों में जीवन तलाशने की कोशिश करना सबके बस की बात नहीं होती, लेकिन विदिशा के मुन्ना लाल ने यही शौक अपनाया और आखिरकार उनके शौक ने उनके सपनों को सच भी कर दिखाया। जिन लकड़ियों के टुकड़ों को आप बेजान समझते होंगे, उन्हीं टुकड़ों, उन्हीं बेजान टहनियों में, सूख चुकी जड़ों में जिंदगी के रंग छिपे होते हैं। उन्हीं रंगों को तलाशते तलाशते मुन्ना लाल विश्वकर्मा ने अपनी जिंदगी के 27 साल दे दिए। मुन्ना लाल ने कोई स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की है, लिहाजा पैसे कमाने के लिए कारपेंटर का काम सीखा और फिर बेजान लकड़ी के टुकड़ों में उन्हें जिंदगियां दिखने लगी, जिसके बाद उन्होंने ऐसी लकड़ियों की तलाश शुरू कर दी और पिछले 27 सालों में विदिशा, रायसेन, सागर जिले के जंगलों की खाक छानते रहे और अब उनके संग्रह में 400 कलाकृतियां जुड़ गई। इन्हीं कोशिशों की वजह से मुन्ना लाल का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये लिम्का बुक में जो मेरा नाम दर्ज हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत गर्व की बात है। और रही बात कला की, तो ये करीब 27 साल पहले मैंने शुरू किया था ये शौक से, और जंगलों में जलाऊ लकड़ियों की आड़ी टेढ़ी ढूंढने का काम ये कलाकृति इकट्ठे करते करते 27 साल मैंने इकट्ठी की है। मुन्ना लाल अपनी उपलब्धि से खुश हैं तो उनकी कलाकृतियों को चाहने वाले भी मुन्ना लाल की तारीफ करते नहीं थकते। ये निश्चित रूप से एक गर्व और गौरव की बात है, न केवल विदिशा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, या मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष के लिए, कि इस एक अद्भुत जो एक कलाकार है जो इस तरीके की चीजों को देख सकते हैं, कास्ट कोई में लिखी हुई कविता को जो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि उनकी जो पिछले 20 वर्ष की जो सतत उनकी साधना थी और जो जुनून था, उसका उनको एक बहुत अच्छा परिणाम मिला, उसको सराहा गया। मुन्ना लाल के संग्रह पूरी तरह प्राकृतिक है। प्राकृतिक इसलिए क्योंकि इसे बनाने या संवारने के लिए किसी भी औजार का इस्तेमाल नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई पॉलिश या पेंट लगाया गया है। बृजेंद्र पांडे, सहारा समय, विदिशा।